ये वीडियो एक छोटा सा अपडेट है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। अभी तक क्या होता है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसमें एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया था। एड ऑन क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सेम वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड का एक और कार्ड आप ले सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, उस कार्ड को आप यूज कर सकते। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उसका सेम कॉपी मेरे पास है तो जो कि नॉमिनी के नाम से यहाँ पर दिया जाता है, सेम कार्ड आप ले सकते हैं। तो ये एड ऑन कार्ड अगर आपको मिलता था उसका डिटेल आपको एक्सिस बैंक के जो एप्लीकेशन है उस पर नहीं दिखता था, साथ साथ यहाँ पर उसका पिन बनाना हो या मोबाइल नंबर आपको चेंज करना। एक्चुअली होता है कि आप प्राइमरी कार्ड तो आपके नाम से, अगर आपने वो कार्ड अपने फैमिली मेंबर किसी को दे दिया या भाई को दे दिया, उसमें आपका ओटीपी आप ही के नंबर पे आ रहा, तो मोबाइल नंबर भी चेंज करना होता था, तो आप वो आसानी से आप ऑनलाइन नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि वो एड ऑन कार्ड का डिटेल भी आपको एक्सिस बैंक के ऐप पे दिखेगा, वहाँ से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, कार्ड को डिसेबल करना या फिर यहाँ पर लिमिट को कस्टमाइज़ करना, सारी चीज़ें एक क्लिक्स में आपकी हो जाएगी। तो सिंपली आपको लॉगिन करना है एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप, वहाँ पर जाएंगे और कार्ड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस बैंक का आपका जिस कार्ड वेरिएंट का आपके पास एड ऑन कार्ड होगा वहाँ पर शो करेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे स्वाइप के नीचे पर यहाँ, तो एड ऑन कार्ड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। वहाँ पर जाके आप कंट्रोल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं और जो भी आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं एड ऑन कार्ड का वो भी यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। सिंपली ये है कि अब ये चीज़ें कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपको मिल गया। पहले ये चीज़ें एड ऑन कार्ड के लिए नहीं कर पाते थे, सिर्फ प्राइमरी कार्ड के लिए आप चीज़ें सेटिंग्स कर पाते थे, तो आप एक्सिस एप्लीकेशन से इजिली कर सकते। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन क्वारीज है अपने चेकमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।